वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है डीसी व्हील प्रिंटर के बारे में कि डीसी व्हील प्रिंटर क्या होता है और डीसी व्हील प्रिंटर की वर्किंग क्या है। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में हम आगे देख रहे थे करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के आगे टाइप्स में हमने देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उसी की अगली टाइप है जो कि है डेजी व्हील प्रिंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है डेजी व्हील प्रिंटर, ये क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर है। अ डेजी व्हील प्रिंटर इज एन अर्ली टाइप ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर इन्वेंटेड इन 1969। तो ये क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर है जिसको इन्वेंट किया गया है 1969 में बाय डेविड एसली एट डायब्लो डाटा सिस्टम। इट यूजेज अ सर्कुलर प्रिंटिंग मैकेनिज्म। ये क्या है, सर्कुलर प्रिंटिंग मैकेनिज्म है, सर्कल शेप का है, कॉल्ड अ डेजी व्हील। इसको डेजी व्हील कहा जाता है। द प्रिंटर यूजेज अ मेटल और प्लास्टिक डिस्क कंटेनिंग ईच ऑफ द लेटर्स नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स इट सपोर्ट। जो कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स ये सपोर्ट करता है वो इसके पेटल्स पे प्रिंट होती है। व्हेन प्रिंटिंग द प्रिंटर रोटेट्स द डिस्क टू ईच कैरेक्टर। जब हमें प्रिंटिंग करनी होती है तो क्या होता है, यहाँ पे ये मोटर लगी है, ये रोटेट करेगा और जैसे ही हमारे पास डिजायर कैरेक्टर आएगा हैमर इस पे स्ट्राइक करेगा। इसके नीचे होगी इंक रिबन, ठीक है, उसके नीचे होगा पेपर। जैसे ही हैमर इस डिजायर कैरेक्टर पे स्ट्राइक करेगा इंक रिबन से इंक का जो कैरेक्टर का इम्प्रेशन है वो पेपर पे पड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मोटर है और ये यहाँ पे इसकी पेटल्स है, ये हमारे पास इंक रिबन है और उसके नीचे ये पेपर है। जैसे ही इस पे हैमर का स्ट्राइक होगा ये इंक रिबन पे इसका इम्प्रेशन पड़ के ये पेपर पे इसको प्रिंट कर देगा। When printing, the printer rotates the disk to each character and using a hammer strikes each character into an ink ribbon to create characters on paper. ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। The head of this printer is in the shape of flower. जो इसका हेड होते हैं ये किसके शेप के होते हैं, फ्लावर के शेप के होते हैं। Daisy wheel printer have low speed. ये क्या है, आजकल यूज नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इनके क्या है लो स्पीड है। कितनी है, ranges from 10 to 15 characters per second. ये सिर्फ 10 to 15 characters per second ही प्रिंट कर सकते हैं और ये ग्राफिक्स को भी प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि इस पे सिर्फ कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल ही इंसर्टेड होते हैं, तो इसलिए ये ग्राफिक प्रिंट्स नहीं कर सकते। और क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉइसी होते हैं जिससे कि इनका यूज़ बहुत कम किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। मैं अगली वीडियोस में बाकी सारे प्रिंटर्स को भी कंप्लीट करूंगी। थैंक यू सो मच।